चलिए ठीक है। ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास के लिए हमने प्रायिकता के फॉर्मूले सबको बता दिए थे, तो आज हम फॉर्मूले, उस समय मैं वीडियो बना रहा था तो फोन आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम प्रायिकता के सवालों को कराएंगे। मुश्किल से 20 सवाल हैं प्रायिकता के, और 20 या 25 सवाल दिए थे मैंने, उनको आज कर लेंगे, और आज जितने हो जाएंगे उसके बाद बचे हुए को एक और वीडियो में आज शाम को कर देंगे। दूसरी बात, आज 11 बजे लाइव चलेगा मैथ का, बोर्ड पर कराऊंगा, कल की तरह नहीं होगा, तो याद रखना। लाइव क्लास की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो सभी लोग आए लाइव में, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करें सब लोग, तो मुझे लगे कि हाँ आप भी पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तीसरी बात कि ये क्वेश्चंस वही हैं जो बोर्ड में आते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समय को ज्यादा नहीं लेंगे। पहला सवाल देखिए, यदि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, और पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना है, तो ये मान आपसे पूछे हैं। चलिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक नंबर में एक चीज पूछेगा, दो नंबर में दो चीज पूछेगा, तीन नंबर में तीन चीज पूछेगा, और मैं आपको बता दूं, एक सवाल तो डेफिनेटली 100 नहीं 1000% यहां से इसी प्रश्न में से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक या दो नंबर का। क्या है देखिएगा, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है प्रायिकता का, और एक आता है 5 या 8 नंबर में, वो बड़ा आता है। मोस्टली 8 नंबर का नहीं आता है, 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर का भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इन चीजों को समझते हैं। यहां से हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, देखिएगा बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन बन गया। सीधे सीधे बात है कि आपको सवाल में ये चीज दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, पी ए ये चीज निकालनी है। ओके, ये चीज आपको दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमको पी ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो डायरेक्टली हो गया, लो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/6, और पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैथ के स्टूडेंट आप लोग जानते हो, नीचे वाले यानी कि ये बीच वाले की बीच में मल्टीप्लाई, और नीचे वाले की सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये वाला 1 गुणा नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 गुणा, और ये हो जाएगा 1। समझ में आई बात, ये 1 की गुणा 6 में और 3 की गुणा 1 में ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना हो गया, 3 × 3, और सॉरी इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 3 और 3 × 6 ये कट गया, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 × 2, दिस इज योर आंसर फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया, हालांकि ये आपको करना नहीं है, सीधे सीधे 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 = 6 × 6, तो डायरेक्टली आप 3/6 लिख सकते थे, ये कट गया तो 1/2 आ गया, ठीक है। मैंने आपको करके दिखाया ताकि यहाँ पे एक की जगह कोई और संख्या होती तो आप उसको गुणांक में लिख देते, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया पहला उत्तर। दूसरा उत्तर क्या कह रहा है, दूसरा उत्तर देखिएगा, पी बी अपॉन ए ये पूछा है, तो वही चीज, पी हमने क्या बताई थी, बी अपॉन ए हो या ए अपॉन बी हो, आपको ऊपर क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी ही लेना है। क्यों, क्योंकि मैंने फॉर्मूला वाले में बताया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वही इतने की होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन चीज, तो ए और बी में कॉमन या बी और ए में कॉमन, क्योंकि हमारा ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, इसलिए घबराना नहीं है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, नीचे ए है तो नीचे ए आ जाएगा, बस इतना चलेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी, वही है 1/6, और पी ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 ऊपर आ जाएगा, और 6 × 3 ये हो जाएगा 18, ठीक है। 2 से काट देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 18, तो कितना आ जाएगा, 2/9, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तीसरा और देख लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी पूछा है, तो पी ए यूनियन बी का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही था फॉर्मूला। चलिएगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, पी ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 1/6,
चलिए एलसीएम ले लीजिए, 4 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। सभी लोग जानते हो एलसीएम कितना आ गया 12, यानी एक वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए वो एलसीएम। तो इनका एलसीएम ले लोगे 12, 4 3 12 तीन बार जा रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी कितने बार 9 आ जाएगा, प्लस 3 4 12 तीन का भाग करेंगे कितने बार जा रहा है 4 बार, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 1 4, माइनस 6 का भाग करेंगे इसमें 12 में कितने बार जा रहा है 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली संख्या में 2 1 2, ये आ जाएगा ठीक है। 9 और 4 13, 13 में से 2 गए 11, तो ये 11 बटे ये आ जाएगा 12 आंसर, काम खत्म। तो ये भी आपकी निकले पी ए यूनियन बी, ये भी वैल्यू आ गई आपकी ठीक है 11 बटे 12। ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया, बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी इस पर कर लीजिए सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड हैं, कोई भी अंतर नहीं है, कोई कुछ नहीं है ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपको दे दे रहा हूँ, मुझे आपको उत्तर बताना है, आप मुझे उत्तर बताइएगा ठीक है। इन तीनों सवालों का एक होमवर्क में आपको मैं दे दे रहा हूँ, ये देखिएगा होमवर्क में आपको मैं सवाल दे दे रहा हूँ, ये सवाल आपको करना है। मैं आपको दे दे रहा हूँ पी ए की वैल्यू कितनी है, इस सवाल में आपको पी ए की वैल्यू 3/4 है, पी बी की वैल्यू 1/3 है, पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 6 है ठीक। अरे ये तो मैंने यही सवाल लिख दिया, चलिए यही सवाल लिख दिया, कौन सा सवाल मैं दे रहा था देखो, चलिए ये करिए, पी ए की वैल्यू कितनी 0.6 है, पी बी की वैल्यू 0.3 है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 है। चलिए यही सारी वैल्यू आप निकालिए, बहुत जल्दी ये वैल्यू आप फाइंड आउट करिए और मुझे बताइए, ये वैल्यू आप फाइंड आउट करके मुझे सारी की सारी वैल्यू कमेंट करनी है ठीक है। चलिएगा इसका आंसर आपको मुझे बताना है। अब इसका दूसरे सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं, देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में कहा है कि मान लो, क्या मान लो कि मान लो कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी दूसरे से एक दूसरे से कैसी इंडिपेंडेंट इवेंट है, घटनाएं हैं, और पी ए बराबर कितना क्या दे रखा है सवाल में, सवाल में पहले तो ये कहा है कि ए और बी कैसी हैं, ए और बी बराबर स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आपको दे रखी है पी ए बराबर कितना दे रखा है 0.3 दे रखा है, और पी बी बराबर कितना दे रखा है 0.4 दे रखा है ठीक है, पी ए अपॉन बी आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं पालना है किसी भी चीज का। देखिएगा क्या होता क्या है, पहली बात तो ये समझो, पहली चीज कि जब ए और बी हम यहां से करेंगे कि हम जानते हैं कि ए और बी स्वतंत्र हैं, तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है, ये चीज हम जानते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और हमें ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है, हमें निकालना क्या है पी ए अपॉन बी निकालना है ठीक है। तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ये इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मली, क्योंकि ए और बी कैसे हैं, ए और बी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र के लिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, ये हो जाएगा अपॉन नीचे पी बी है, पी बी से पी बी कट गया तो क्या आ जाएगा पी ए आ जाएगा, और पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है 0.3, दिस इज योर आंसर ठीक है। इसलिए मैं थ्योरी लिखी है ताकि आप भूलो नहीं ठीक है ये चीज। तो पी ए अपॉन बी यदि स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू मतलब जो ऊपर होता है वही आ जाता है, पी बी अपॉन ए की वैल्यू पूछता, पी बी अपॉन ए की वैल्यू पूछता तो मतलब पी बी, और पी बी का मतलब क्या, पी बी ऊपर वाला, पी बी की वैल्यू कितनी 0.4 आ जाता है, समझ में आ गई बात। यदि स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिए जो मैंने बताया था, स्वतंत्र के लिए ये होता है, यदि यही अपवर्जी कहता तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम कितना लेते 0, ये सारे फॉर्मूला में हमने बताए थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक है, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल का ठीक है, अगला सवाल आपका
चलिए तो डायरेक्टली हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल कराते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये सवाल है आपका तीसरा, तीसरा प्रश्न है, यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3 तथा पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब इंपोर्टेंट क्या है, यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3 है तथा पी ए यूनियन बी बराबर इतना है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? और ए और बी यदि स्वतंत्र होते हैं तो देखिए क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, दो नंबर का ये सवाल है। बहुत दो अंक देखिए कितने लवली तरीके से आपको मिल रहे हैं, एकदम लोग परोस के हुए आए हैं। तो देखिए तुमना इसमें करोगे क्या, सिंपल सा फंडा आप लगा दीजिए। आपको पहले स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र कब होती है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए और पी बी आ जाता है, तो ये स्वतंत्र का होता है कि ए और बी कैसे हैं, ए और बी स्वतंत्र हैं। ठीक, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहां से यही चीज निकालते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी आ कितना रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, यही है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये हो गया। डायरेक्टली यहां पर वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू कहां है, ये रे पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 2/3। चलिएगा इसका एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा 6, 2, 3 का एलसीएम 6, 2, 3, 6 तीन बार जा रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, 3 की मल्टी 3 का भाग करेंगे 6 में कितने बार, 2 बार, 2 की गुणा ऊपर करेंगे 1, 3, 2, 6 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ जाएगा 3 और 2, 5, 5 में से 4 गए तो 1, तो 1/6 पी ए इतना आ गया। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लो। अब दूसरी चीज भाई, हम क्या, हमको ये पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आना चाहिए, तो हमारा पहले एक भाग निकाल लिया हमने, पहले ये निकाल के देख लिया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज और चेक करो कि क्या, अब ये चीज निकल गई, यहां के बाद में हम एक चीज और चेक करेंगे पी ए इंटू पी बी बराबर कितना आ रहा है, पहले ये देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है और इसकी वैल्यू तुम्हारी 1/6 आई है, तो इसकी वैल्यू भी 1/6 आ जाएगी तो कह देंगे घटना है, स्वतंत्र है, नहीं तो नहीं। ठीक है, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहां पर क्या आ गया, ये दिखाई देगा 1/6। ठीक है, तो ये पी ए डॉट पी बी कितने की वैल्यू 1/6 आ रही है, ये समीकरण 2। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देखा, क्या दिखाई दिया आपको, दिखाई दिया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है ना 1/6 1/6, तो दोनों वैल्यू बराबर है, तो लिख देंगे अतः है ए और बी स्वतंत्र हैं, मतलब हो गया प्रूव्ड हो गया। यदि कहते सिद्ध करो, सिद्ध करने के लिए आया, तो हो गया प्रूव्ड, यही काम करना है। तो यदि आपसे ये पूछ रहा है क्या ये स्वतंत्र हैं, तो यस दिस विल बी इंडिपेंडेंट ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, काम खत्म। इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना होगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी और पी ए पी बी की वैल्यू निकाल के देखो, दोनों का मान बराबर आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं, काम खत्म। चलिए जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा चौथे सवाल पर बढ़ते हैं, चौथा सवाल आपसे कह रहा है, चौथा सवाल भी इसी तरीके का है, बहुत ही प्यारा सवाल। ए और बी ऐसी
घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर एक बट्टे दो कॉमा पी ए यूनियन बी बराबर तीन बट्टे पांच और पी बी बराबर पी है। तो पी का मान ज्ञात करो, पी बराबर क्या, यदि पहला परस्पर उपवर्जी हैं, यदि अपवर्जी हैं और दूसरा देखिए है ना, देखिए क्या सवाल, क्या सवाल दिया है, क्या कहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर एक बट्टे दो और पी ए यूनियन बी बराबर तीन बट्टे पांच और पी बी बराबर ये है पी, पी बी बराबर पी है। तो पी बराबर क्या होगा यदि घटनाएं अपवर्जी है और यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं, यानी दो कंडीशन कैसे पूछा है, यानी कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या दे रखा है, पहले दिया क्या है, सवाल में बहुत सारी चीज दे रखी है, क्या दे रखा है कि भैया पी ए बराबर आपको दे दिया एक बट्टे दो और पी बी बराबर आपको दे दिया कितना, पी बी बराबर दे दिया पी और पी ए यूनियन बी बराबर आपको दे दिया तीन बट्टे पांच, ठीक है। लेकिन ये चीज दे दी तो P का मान आपसे पूछा है, यानी P बराबर पूछा है, लेकिन P के लिए दो कंडीशन लगाई, P का मान बताओ यदि घटनाएं अपवर्जी हैं तब आपको P का मान बताना है, दूसरी कंडीशन ये लगाई है कि तब बताओ P का मान जब ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया हमें इसके लिए पी ए, ये पी ए पता है पी बी पता है और क्या आपको पी ए इंटरसेक्शन बी भी पता होना चाहिए तभी तो ये निकाल पाओगे। चलिए पहले हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको तभी तो पता चलती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी निकल आता है तभी तो आप बताओगे कि बाकी सारी चीजों को, ठीक है चलिएगा पहले ये निकाल लेते हैं। पी ए कितना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, यही तो है। चलिएगा इसकी देखिए ये वैल्यू कितनी है, ये पी ए, पी ए की वैल्यू कितनी, पी ए की पी ए पी ए पी ए की वैल्यू एक बटे दो प्लस पी ए की वैल्यू एक बटे दो पी बी की वैल्यू पी माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी की वैल्यू तीन बटे पांच है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक अब क्या कहा है ये हमको पता चलेगी, तो भैया इतने आप इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व मत करो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रखो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए आगे का, यहां आगे का यहां से ही तो आगे बनता है सारा मामला। क्या अब देखिए पहले में क्या कहा है, पी का मान निकालना है यदि घटनाएं अपवर्जी हैं, तो पहली कंडीशन अब लगाओ, यदि घटनाएं अपवर्जी हैं, घटनाएं अपवर्जी हैं तब प्यारा, अब देखिए यहां से कुछ नहीं है, यदि घटनाएं अपवर्जी हैं तो क्या करोगे, यदि घटनाएं अपवर्जी हैं तो हम जानते हैं क्या करते हैं, हम घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी बराबर लेते हैं हम जीरो। क्या यदि घटनाएं अपवर्जी हैं तो लेंगे हम पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जीरो, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहां है, ये है कितनी है एक बट्टे दो प्लस पी माइनस तीन बट्टे पांच बराबर ये हो जाएगा जीरो। अब पी वाली चीज को यहीं पर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे बेटा रे, तो क्या हो जाएगा पी बराबर तीन बट्टे पांच है माइनस का, तो इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का हो गया, ठीक। और ये देखिए एक बट्टे दो इधर प्लस का है तो इधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। पी बराबर हमने एलसीएम ले लिया दोनों का दस, पांच दूनी दस, दो बार गया तो दो की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तो हो जाएगा छह माइनस दो पांच दस, दो पंजे दस यानी पांच, पांच की मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा इतना, तो पी बराबर कितना आ जाएगा छह में से पांच गए तो एक बट्टे दस, एक बट्टे दस इज राइट आंसर, किसका हो गया इसका हो गया। ओके चलिएगा बहुत ही प्यारा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा
और यदि कहे कि यदि घटनाएं कैसी हैं, अब आया था दूसरी बात, यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं, कैसे, यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तब क्या होगा, तब आपका देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां पे इसको मिटा दे रहा हूं मैं। यदि कह दे कि घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, दूसरे वाले में क्या कहा है, दूसरे वाले में स्वतंत्र हैं, तब क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी, ये हो जाता है। चलिएगा, इतने की वैल्यू कितनी है, ये है एक बट्टे दो प्लस पी माइनस तीन बट्टे पांच बराबर, इतने की वैल्यू एक बट्टे दो इंटू इसकी वैल्यू है पी, पी वी की वैल्यू कितनी है पी। चलिएगा, बहुत ही प्यारा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, अभी आपने देखिए पी पी वालों को एक तरफ ले आइए और इसको इधर पहुंचा दीजिए, तो ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये पी, इसका मतलब क्या है, पी की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, पी बट्टे दो है, इधर आएगा तो माइनस पी बट्टे दो हो जाएगा, ठीक बराबर, ये तीन बट्टे पांच इधर जाएगा तो प्लस के तीन बट्टे पांच हो जाएगा, और एक बट्टे दो इधर जाएगा तो माइनस का एक बट्टे दो हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे ये दो एलसीएम ले लेंगे, दो की मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो दो पी माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक, एक समझ में आ रही है ना बात, चलिएगा ठीक है। चलिए आप कुछ मत सोचो, ऐसे आ जाएगा, दो की मल्टीप्लाई इसमें कर दो पी माइनस ऊपर वाली जो खत्म रख दो, ऐसे नीचे हम कितना एलसीएम ले लेंगे, पांच की पांच दूनी दस एलसीएम ले लेंगे, दो की मल्टीप्लाई इधर और पांच की मल्टीप्लाई इधर, तो दो ती हो जाएंगे छह और पांच की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें एक, ठीक है, दो पी में से एक पी बचा है नीचे दो बराबर एक बट्टे दस, दो की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दो बट्टे दस, दो से एक कट जाएगा एक बट्टे पांच, ये कितना आ गया एक बट्टे पांच आ गया, दो एकम दो, दो पंजे दस, एक बट्टे पांच आ गया उत्तर है, इतना तो समझी रहे हो। तो देखिए तो इसमें पी का मान पूछा था, ये बहुत बेचीदा सवाल है, इसमें क्या है कि एक चीज पूछता है लेकिन मैंने दोनों लिख दी है सवाल में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपका जल्दी से कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है अगले सवाल को करते हैं जल्दी से। चलिएगा पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा पांच देखिएगा, पांचवा सवाल बहुत ही प्यारा है कि भाई क्या दे रखा है आपको, ठीक है इसको मैं चलिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल मैंने यहां पर लिख दिए हैं, क्या है सवाल देखिएगा, एक थैले में पांच लाल तीन काली गेंद हैं, थैले से एक गेंद निकाली गई और निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता आपसे पूछी है, तो देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा पांचवा प्रश्न क्या है कि कितनी है लाल गेंद, कितनी है भाई लाल गेंद है आपका थैले में पांच, काली गेंद है आपकी तीन, तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई आठ, ठीक है। अब इन आठ गेंदों में से, ठीक है आठ गेंदों में से एक गेंद निकाली जा रही है भाई, एक थैला था, थैला ऐसा समझो, ये कोई थैला है ऐसे, ठीक है ये तो हमें गला टाइप होना था, कोई नहीं इसमें गेंदे हैं इस तरह से, ठीक, अब ये एक दो चार छह सात और एक आठ, यानी कि ये ब्लैक, ब्लैक कितनी है, ब्लैक हैं तीन, ये ब्लैक और ये ब्लैक तीन हो गए, ये रेड ये रेड ये रेड ये रेड ये रेड, इसमें आठ हैं भैया, ये थैले में बंद हैं, और एक यादृच्छिक यानी कि रेंडमली ऐसे हाथ घुसाया खट्टे ही ना एक गेंद निकाल ली, अब वो गेंद कैसी आपकी काली होने की प्रायिकता, वो गेंद काली है उसकी प्रायिकता पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखिएगा गेंद कैसी चाहिए आपको, ब्लैक होने की प्रायिकता, ये रेड यानी कि ये आर रेड और ये ब्लैक और पी ब्लैक होने की प्रायिकता आपसे पूछी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखिएगा। तो भैया यहां पे लिख दूंगा मैं, गेंद काली होने की प्रायिकता, गेंद काली होने की प्रायिकता पीबी बराबर, देखिएगा ये फॉर्मूला नॉर्मली, देखिए किसी भी घटना के लिए, किसी रैंडमली किसी घटना के लिए प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है, नीचे लिख दो कुल संभावना या घटना, कुल घटना या संभावना, ठीक है, और ऊपर लिख देंगे अनुकूल, अनुकूल घटना या संभावना, ठीक है। अनुकूल का मतलब हमारे फेवर में कितनी आ सकती हैं, ठीक है। ऐसा है ना, कहीं जगह आप खड़े हो जाओ एक विवाद में, ऐसा नहीं है कि सारे ही आपके विपक्ष में रहेंगे, एक आध कोई 0.1% तो आपके फेवर में आपकी बात को एग्री करेगा किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। तो रैंडमली हमने मान ली कुल घटना है, कुल गेंद इसमें कितनी है, कुल गेंद हमको पता चल गई कितनी है, 8 है, ठीक है, ठीक। अब 8 में से आपके फेवर में कितनी हो सकती है, कितनी आ सकती है 8 में से, आपको पता है। तो भैया इस 8 गेंदों में काली हमको गेंद निकाली है, लेकिन काली उसमें कितनी है, 3 ही है, तो कुल संभावना कितनी बन रही है, पॉसिबिलिटी के उसमें कितनी गेंदें हैं, 3 है, दिस इज योर आंसर। कुल घटना है कितनी, कुल घटना है, कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना टोटल कितने हैं, 8 है, और आपके अनुकूल कितनी बन सकती है घटनाएं, 3 बन सकती है, क्योंकि 3 ही तो है इसमें, ठीक है, काम खत्म, 3/8, दिस इज योर आंसर, ठीक है, कर लीजिए बस, और कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही आपका ये देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का 3/8 हो गया, ठीक। चलिए आगे देखिए, छठा प्रश्न भी इसी तरीके का है। ये कह रहा है एक लीप वर्ष जानते हो, लीप वर्ष के एक दिन चुना गया, यदि लीप वर्ष के लिए एक दिन चुन लिया गया तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। या लीप वर्ष के चुन लिया गया हो, या लीप वर्ष को चुन लिया गया हो, ऐसा समझो, ऐसा नहीं एक दिन को नहीं, लीप वर्ष को, एक बार मैं देख ही लेता हूं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है छठा, और छठा प्रश्न कह रहा है यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया गया हो तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, यानी किसी, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया गया हो, तो यानी किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक का मतलब है कि आपका रैंडमली, यानी वही किसी भी लीप वर्ष को चुन लिया गया हो तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता, पूछिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लीप वर्ष का मतलब होता है 366 दिन, 366 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह + 2 दिन, यही तो होता है लीप वर्ष का मतलब, 52 सप्ताह 2 दिन, ओके। 52 सप्ताह का मतलब क्या है, 52 सप्ताह में भैया एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर एतवार, ठीक है, 7 दिन हो गए। अब 52 सप्ताहों में मतलब क्या है, ये सातों दिन 52 बार आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये है, ये 52 में 52 ही रविवार होंगे, हमें तो रविवार भाई 52 सप्ताह है तो 52 में 52 रविवार हो गए, लेकिन अब 52 में रविवार का मतलब ये है, हमें तो 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है, तो 53 रविवार कैसे हो सकते हैं, देखिएगा इनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 52 रविवार हो ही गए, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, बस बात ये कि इन 2 दिनों में आपको रविवार होने की प्रायिकता निकालनी है। तो रविवार कैसे हो सकता है, ये 2 दिन कौन से 2 दिन हो सकते हैं भाई, ये 52 सप्ताह तो है ही है, 52 सप्ताह से तो कोई मतलब है ही नहीं आपका, प्लस ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, आपको पता है कि ये दिन आपका रविवार से हम स्टार्ट करते हैं, रविवार और सोमवार हो सकता है, ठीक है,
या आपका रविवार सोमवार हो सकता है, या आपका सोमवार मंगल हो सकता है, सोमवार मंगल हो सकता है, ठीक, या रविवार सोमवार, सोमवार मंगल हो सकता है, या मंगल मंगल बुध हो सकता है, ठीक है, या बुध बृहस्पति हो सकता है यानी कि गुरुवार, ठीक, या आपका बृहस्पति शुक्र हो सकते हैं, ठीक, शुक्रवार हो सकता है, या आपका शुक्र शनिवार हो सकता है, या आपका शनिवार फिर से रविवार हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन बन रही है भाई? ये दो दिन ये इन्हीं में से कोई एक हो सकते हैं क्या भाई? ऐसा तो है नहीं रविवार के साथ में, रविवार पहला दिन रविवार और दूसरा दिन मंगल हो सकता है वाला? नहीं हो सकता है। क्यों? यदि इन दो दिनों में पहला दिन रविवार है तो दूसरा सोमवार होगा, या मैं मान लेता हूं कि इनमें पहला दिन सोमवार है तो ये दूसरा दिन मंगलवार हो सकता है, या मैं मान सकता हूं कि इसमें पहला दिन मंगलवार है तो दूसरा दिन बुध ही होगा। यदि मैं मान लूं कि ये पहला दिन बुध है, दूसरा दिन गुरुवार ही होगा, या मैं मान लूं क्या पहला दिन आपका गुरुवार है तो दूसरा दिन शुक्रवार ही होगा, या दूसरा पहला दिन इसमें शुक्रवार है दूसरा दिन शनिवार ही होगा, या पहला दिन शनिवार है तो दूसरा दिन रविवार ही होगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो अब प्रायिकता निकाल दो। क्या निकालने प्रायिकता? 53 रविवार होने की प्रायिकता, मैं मान ले रहा हूं पी एस संडे, ठीक है, पी एस यानी कि संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, ठीक है। तो क्या है? कुल घटना बट्टे सॉरी अनुकूल घटना या अनुकूल संभावना बट्टे कुल संभावना। देखिएगा, इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, बस इसी चीज का चल रहा है कि इन दो दिनों में हमको रविवार निकालना है, तो कितना रविवार हो सकता है दो दिन में, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कि कुल कितने रविवार, देखिए रविवार कहां कहां पर कौन कौन से समूह में रविवार दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले टोटल देखो, टोटल कितने समूह बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं? 7 हो सकती हैं भाई, 7 बैठ सकते हैं, 7 ही दिन तो हो सकते हैं इनमें, ये दो दिनों में 7 दिन ही तो हो सकते हैं, लेकिन इनमें रविवार कितनी बार आ सकता है? रविवार इनका 2 बार आ सकता है, 2 बार, ठीक है। कैसे? एक रविवार यहां पर है और एक रविवार यहां पर है, यानी 2 समूहों में रविवार आ रहा है 2 बार, तो 2/60 इज योर आंसर। अब दिमाग में ये मत सोचना सर ये दो दिनों में 2 बार रविवार कैसे आ गया, रविवार रविवार, अरे बेटा ये 2 दिन यहां से नहीं, ये काउंट होते हैं यहां से पहले दिन से। यदि पहला दिन रविवार होगा, पहला दिन आपका रविवार होगा, तब यहां पर आपका क्या बैठेगा? पहला दिन रविवार होगा तो यहां पर भी रविवार आ जाएगा आपका, तो 53 बन जाएंगे, या पहला दिन आपका शनिवार होगा तो भी आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट हो क्योंकि इसमें 52 सप्ताह में 52 वही दिन लगाए जा रहे हैं, तो कुल मिला के बात ये है कि 53, यदि 53 सप्ताह होने की प्रायिकता, अरे दिमाग में मारा बोली, इतना ज्यादा मत सोचो आप, बस इतना याद रखिएगा कि 2/7 इज योर आंसर, बस अब इतना ज्यादा मेरे को डीप में मत ले जाओ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न बहुत ही प्यारा और लाजवाब, आहा बहुत ही मस्त वाला सवाल है। सातवां कहाँ है? सातवां पी ए यूनियन बी का मान याद करो कि यदि ये बराबर ये दे रखा, देखिए बहुत ही प्यारी चीज दे रखी है कि 2PA = PB = 5/13 ये दे रखा है, और पी ए बट्टे बी बराबर दे रखा। चलो पहले इसको तो बाद में रखो, पहले यहीं से देखिए, इसका मतलब ये है ये बराबर ये और इसका मान है ये, तो मतलब ये है कि भैया पी बी का मान कितना दे रखा है? 5/13 दे रखा है। यहां से तो ये चीज पता चल रही है, ये है ना, और एक चीज और पता चल रही है कि बेटा इसका मान
किसके बराबर है और इसका मान इतना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया 2PA बराबर है PB और PB का मान है कितना, तो इसका मतलब यही तो हो गया बेटा रे। PB का मान देखिए, PB का मान इतना है और इसका मान इतना है, तो PB की जगह पे हम 5/13 लिख सकते हैं। तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 नीचे चला जाएगा, 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हो गया ना बात, काम खत्म। चलिए दो वैल्यू हमको मिल गई, PB की मान भी पता चल गया रेट, और PA अपॉन B ये भी आपको दे रखा है कितना, 2/5 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पी ए यूनियन बी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए यूनियन बी के लिए आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो इसमें लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज का फॉर्मूला ले लो, क्योंकि पी ए अपॉन बी दे रखा ना, इसी का लगाओ। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये तो आप फॉर्मूला जानते हो, इतने की वैल्यू आपको पता है कितनी है। देखिएगा आपको नॉर्मली देखिए पी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पी बी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो पी ए अपॉन बी इंटू पी बी ये हो जाएगा। चलिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 2/5 है, गुणा पी बी, पी बी की वैल्यू कितनी है, 5/13 है, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया, 2/13। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/13। एक बार और समझ लो, देखिएगा आपको ये चीज दे रखी थी, तो यहां से तो हमने डायरेक्टली पी बी, पी बी की वैल्यू कितनी, 5/13 और 2 PA बराबर पी बी है, और पी बी की जगह पर मैं 5/13 लिख दिया। पी ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को नीचे पहुंचा दूंगा, 2 की मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगी, 13 × 2 = 26, तो 5/13 ये आ गया। ठीक है, और एक ये पी ए अपॉन बी ये भी आपको दे रखा है इस सवाल में, ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे रखा है। हमको क्या चाहिए, पी हमको चाहिए, आपको मैं बता दूं बेसिकली चाहिए क्या, पी हमको चाहिए पी ए यूनियन बी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये चाहिए ना। अब पी ए पी बी की वैल्यू तो आपसे निकल आई, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये निकालो पहले। हो सकता है कि इस ऐसे सवालों में ये भी तो पूछ सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले पी ए इंटरसेक्शन बी, हालांकि मैं इसी सवाल में निकाल देता इसी लाइन में, लेकिन नहीं, पहले मैं अलग निकाल के दिखा रहा हूं आपको पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकल सकता है। देखो ये दे रखा ना उसकी जगह पे ए अपॉन बी, तो इसी का फॉर्मूला लगा दो, पी ए अपॉन बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, तो हमको तो पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो पी बी की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, तो पी बी यानी कि इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो पी ए अपॉन बी इंटू पी बी आ गया, इतने की वैल्यू आ गई। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्टली भी फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करने के लिए भी दे दूं तो मैं ये, ठीक है। चलिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए अपॉन बी की वैल्यू 2/5 गुणा पी बी की वैल्यू कितनी, 5/13, 5 से 5 कट गया, 2/13 बच गया, ये आ गया। अब वैल्यू यहां पर रख दीजिए, अब इसके नीचे मतलब यहां से करना, ठीक है, हमको तो क्या चाहिए, पी ए यूनियन बी चाहिए, ठीक है, पी ए, पी ए की वैल्यू कितनी, 5/13 प्लस पी बी, पी बी की वैल्यू कितनी, पी बी पी बी पी बी पी बी पी बी, अरे नहीं, पी ए, पी ए की वैल्यू कितनी थी, पी ए की वैल्यू थी 5/26, 5/26 थी पी ए, पी बी की वैल्यू, पी बी पी बी पी बी की वैल्यू 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/13 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 क्योंकि 26 आ रहा है, 13 × 26 = 26 आ गया, 26 × 26 ये 5 ऊपर जो करते हैं प्लस 13 × 26 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 5 × 5 = 10 माइनस 13 × 26 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 4 तो ये कितना हो जाएगा 10 × 5 = 15 15 में से 4 जाएंगे तो 11/26 तो पी कितना आ गया ए यूनियन बी बराबर इतना आ गया। है ना एकदम लाजवाब सवाल आंसर है, आ गया ना, आ गया, ऐसे निकला है। तो देखिए अपने आप में देखिए बेचीदा सवाल है, इस वाले सवाल में ये पी ए इंटरसेक्शन बी भी तो
ये भी तो पूछ सकता है ना, पूछ सकता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो इसको आप करते हैं, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इस सवाल को कर लीजिएगा। देखिए ए और बी स्वतंत्र हैं, ए और बी स्वतंत्र हैं, ठीक है, ए और बी स्वतंत्र हैं, ठीक, याद रखना ए और बी स्वतंत्र है। और पी ए बराबर क्या कह रहा है आठ में, पी ए बराबर कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है, और पी बी बराबर दे रखा है 0.4। और ये चीज और क्या पूछा है, स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र हैं, तब आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा, और ये कहा है कि ए और बी स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, लो हो गया काम खत्म। भैया पी और ए और बी स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी, पी ए डॉट पी बी, ये होता है पी ए की वैल्यू कितनी, 0.3 गुणा 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.12 चाहती है 12 एक, इतना समझे, क्योंकि स्वतंत्र है और स्वतंत्र के लिए ये लगता है, ठीक है। दूसरी पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये क्योंकि ये स्वतंत्र हैं तो पी ए की वैल्यू कितनी, 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी, 0.4 माइनस इसकी वैल्यू कितनी, 0.12। देखिए याद रखना यहां पर ये इंटरसेक्शन की वैल्यू, क्योंकि स्वतंत्र है और स्वतंत्र के लिए इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है, स्वतंत्र के लिए अभी निकाली थी ना पहले मैं, ये तो यही वैल्यू का इस्तेमाल होगा, ठीक है, चलेगा। या आप यदि ये नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह पर आप क्या रख दोगे, पी ए इंटू पी बी लिख दोगे इस तरह से, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, अब लाइन कर दीजिए। और वैसे हमको पता है कि इनकी जो वैल्यू ऊपर निकली हुई है तो उसी का इस्तेमाल करो ना, एक लाइन क्यों बढ़ाया आपको, 0.4 कितना हो जाएगा 7, 0.7 माइनस 0.12। देखिए 0.7 में से 0.12 कैसे घटाएंगे, देखिए 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये 0 आ गए यहाँ पर, 1 और 2 ऊपर 0 बढ़ा देंगे, अब घटा देंगे तो कितना बचेगा, हाथ ले दाई यहाँ पर 10, 10 में से 2 गए तो बचेंगे कितने, 10 में से 2 गए तो बचेंगे 8, यहाँ पर बचेंगे 6, 6 में से 1 गए तो बचेंगे 5, और पॉइंट के नीचे लगा देंगे पॉइंट, यानी कि इस तरह से, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 आ गई, तो इसी का आंसर, ठीक है, चलेगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जितने भी सवाल सुन रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया, समझ में आ गए हैं कमेंट करना, ना आए हैं तो भी कमेंट करना, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर देना, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लाइक और डिसलाइक करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।